राम राम। कैसे हो सब लोग? मैं आपका अपना श्रवण चौधरी, भाजपा उम्मीदवार फतेहपुर शेखावट से। आज 8 नवंबर है, चुनाव बिल्कुल नजदीक आ गया है, 25 नवंबर को पोलिंग होनी है। तो मैं इस लाइव के इस वीडियो के माध्यम से सारे अपनों से एक बात निवेदन करना चाहूंगा, एक अपील करना चाहूंगा कि सभी लोग, मेरे सभी अपने इस समर में, इस महासमर में, इस चुनाव में मेरा सपोर्ट करें, मेरा समर्थन करें। मेरे अपने जहां भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सभी लोग फतेहपुर में जो भी अपने मिलने वाले हैं या फतेहपुर खुद के रहने वाले हैं, उन सबसे कहें कि वो भाजपा को वोट करें। दोस्तों, केंद्र सरकार भाजपा की है, स्टेट में गवर्नमेंट भाजपा की बनने वाली है, और ऐसी स्थिति में फतेहपुर से जिसमें 30 साल से भी कमल का फूल नहीं खिला है, वहां कमल खिलाए, भाजपा का MLA बनाए। तो सबसे एक निवेदन है कि एक नए फतेहपुर के लिए, एक शिक्षित फतेहपुर के लिए, एक बहुत ही नया सूर्य उदय हो फतेहपुर में। इसलिए सभी लोग जात पात धर्म और मैं तो कहता हूँ पॉलिटिक्स की विचारधारा से ऊपर आके इस बार आप केवल और केवल भाजपा को वोट करें। एक बहुत सीधी बात करना चाहूंगा, भाजपा के अलावा, कमल के अलावा, इधर उधर जहां भी कहीं दाएं बाएं वोट पड़ता है, वो सारे के सारे वोट भाजपा के लिए नुकसानदायक है। और प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से वो कांग्रेस के उम्मीदवार के पक्ष में पड़ रहे हैं, जबकि फतेहपुर की 85% जनता ये चाहती है कि यहाँ के वर्तमान विधायक को बदला जाए। तो मैं उन सबसे अपील करना चाहूंगा कि वो अपने वोट को इधर उधर बोल करके वोट खराब नहीं करें। चुनाव तो राष्ट्रीय पार्टियों के बीच हो रहा है और भाजपा ही कांग्रेस को हरा सकती है, कमल ही कांग्रेस को हरा सकता है। ये आप सब समझदार हैं, इसको आप स्वीकार भी कर रहे हैं और इस बात को आप अपने बीच कहें, आप सभी अपनों के बीच कहें। और इस वीडियो को जहां भी आप देख रहे हैं, अभी छुट्टियां हो रही दीपावली की, मेरे सारे अपनों से निवेदन करना चाहूंगा, मेरे पुराने स्टूडेंट से, मेरे दोस्तों से, मेरे वर्तमान स्टूडेंट से, मेरे गार्जियन से, सबसे जो मेरे अपने वेल विशर है, भाजपा कार्यकर्ताओं से और फतेहपुर, विशेष रूप से फतेहपुर के भाजपा कार्यकर्ताओं से कि हम लोग दीपावली की जितने उत्साह से मनाते हैं, 25 नवंबर को दोस्तों दीपावली वाला उत्साह में फिर रखना है, तो सभी लोग वोट करें। और कल से हम लोग गांव के दौरे, जो गांव चुनाव में जिसे गांव के दौरे स्टार्ट होते हैं, वो हम लोग दौरे स्टार्ट कर रहे हैं। तो कल हमारा दौरा स्टार्ट हुआ दोस्तों आसास गांव से, एक पूरा टूर होता है, सुबह से लेकर शाम तक हम लोग गांव के दौरे पे रहेंगे। वो आपको मैं बताना चाहूंगा कि मेरे इसी फेसबुक पेज पे लिस्ट है बाकायदा उनकी। तो कल का जो मेरा दौरा है वो जिन गांव में है, आप सब लोग दोस्तों वहां पहुंचे, आप उन सभाओं को सफल बनाएं, सभाओं की व्यवस्था करें। और कल का जो हमारा दौरा है वो सबसे पहले 9:30 बजे स्टार्ट होगा, आसास, जाड़ेऊ, देवास, फदनपुरा, गोरास, दाडुंदा, बड़वा की डाणी, डाणी हटीदान, नगरदास, बागास, जुगलपुरा, पालास, नेटवा, डाणी, पूनिया, बावला, रसवाई, लक्ष्मणपुरा, गंगापुरा, खोटिया, होत्सर होते हुए शाम को वापस हम लोग 6:30-7 बजे फतेहपुर पहुंचेंगे। उसके बाद 7 बजे से जब तक आचार संहिता की पालना सभी समय की होती है, 9 बजे तक हम लोग शहर के वार्डो में नुक्कड़ सभाएं करेंगे, अपनों से मिलेंगे। दोस्तों, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं सभी गांव में, हर घर तक, हर व्यक्ति तक पहुंचने के लिए। मैं, मेरी पूरी टीम, भाजपा की टीम भी लगी हुई है, मेरे परिवार की टीम भी लगी हुई है, और हमारे CNC के लोग भी जो चाहते हैं कि फतेहपुर में कमल खिले, भाजपा खिले, वो भी सब भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। बातें बहुत सी की जा सकती हैं। वर्तमान विधायक की जो तानाशाही रही है उससे सब लोग परेशान हैं, लेकिन चुनाव में थोड़ा सा कुछ लोगों ने यहाँ के माहौल को नेगेटिव करने का प्रयास किया है, कुछ लोगों ने अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। मैं मानता हूं कि फतेहपुर के मेरे मतदाता सब समझदार हैं कि वो जो 5 साल उनका सपना था कि हमें हर हाल में कांग्रेस को हरा के भाजपा कमल खिलाना है, फूल कमल का फूल खिलाना है, वो समय आ गया है। कोई गलती हमसे नहीं हो जाए और 25 तारीख को कमल के सामने वोट दबाना है। मैं एक हाथ जोड़ के फिर विनती करना चाह रहा हूँ, हो सकता है दोस्तों 25 से पहले मैं हर व्यक्ति से नहीं मिल पाऊँ, लेकिन अब मेरा अगला जीवन, अगले 15 दिन आप पूर्ण रूप से भाजपा के नाम कर दें, तो मेरा अगला पूरा जीवन मेरे फतेहपुर शेखावाटी के, मेरे उन बहुत ही कहने मोतियों महंगा जो मेरा मतदाता के लिए है, पूरा अपना जीवन जो है वो मेरे फतेहपुर के लिए है। मैं इसी फील्ड में आया हूँ तो मैं किसी काम को अधूरा नहीं करता। मेरी कोचिंग मेरा काम किया, पूर्ण मन से किया। अब राजनीतिक क्षेत्र में आया हूँ, इसमें मेरे काम को बहुत पूर्ण मन से करूंगा। बातें बहुत सी की जा सकती है, मैं हर फतेहपुर के मतदाता एक ही बात कहूंगा कि चुनाव मनने से पहले, टिकट डिक्लेयर होने से पहले आप सबका एक ही सपना था कि हाकम को हराना है, कांग्रेस को हराना है, तो आपको वो सपने को पूरा करना है। मैं तो केवल आपको अपना सपना दिला रहा हूँ,
आप हनुमान जी कितने अपना सपना भूल जाते हो, अपने ताकत भूल जाते हो। फतेहपुर के वासियों, मेरे अपने परिवारजनों, आप सबका एक ही था कि हमें जनाब आकम खली चुनाव हराना है। हाँ ना था ना, इसका जवाब था। तो अब जैसे टिकट मेरे को दे दी गई, तो उसमें टिकट दोस्तों किसी एक को मिल रही होती है, 10-15 लोग टिकट हकदार है, लोकतंत्र होना भी चाहिए, तो उनमें से 90% लोग परिवार के मेरे साथ हैं। फिर भी आपका सपना पूरा करे, मैं तो आपका सपना पूरा करने आया हूँ साहब। आप है कि सपना था फतेहपुर के सारे मतदाताओं, अपने आप से पूछो, आप दिल पे हाथ रख के सभी मेरे फतेहपुर के मतदाता, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे बुजुर्ग, मेरे युवा साथी, दिल पे हाथ रख के पूछे सपना क्या था, कि कांग्रेस के एमएलए को हराना है और भाजपा कमल खिलाना है। तो अब जो 2-5% लोग हों, कंफ्यूज क्यों हो गए, लोग आएंगे आपको दिग्भ्रमित करने के लिए। अब मैं दिग्भ्रमित करना, झूठे वादे करना, ये मेरे विचार में भी नहीं है और मैं इस लेवल पे काम भी नहीं करता। मैं तो फतेहपुर सेवा करने के लिए आया हूँ साहब। मुझे तय पता है कि सेवा करने के लिए बेईमानी करने की जरूरत नहीं है, सेवा दिल से होती है। मैं दिल से इलेक्शन में आया हूँ, दिल से आपके साथ रहूंगा, ठीक है ना। तो हर व्यक्ति श्रवण है, हर व्यक्ति श्रवण बजे गांव मोहला ढाणी ढाणी घर घर हो जाए, और कल से हमारे जो गांव के दौरे स्टार्ट हो रहे हैं उन दौर में पहुंचे। इन सबका इसी पेज पे श्रवण चौधरी रोसावा के पेज पे, क्यों मेरे श्रीराम जी, श्रवण चौधरी रोसावा के पेज पे बाकायदा पोस्ट है, उसमें अपना समय देख ले, ठीक है ना। इसके अलावा आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आएगी तो ये श्रवण हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं भी बस ग्राउंड पे हूँ, समय का थोड़ा सा अभाव रहता है, चलती गाड़ी में आपके मिठाई करके बात कर लेता हूँ। एक बार फिर से अपील करना चाहता हूँ फतेहपुर के मेरे मतदाताओं से, 4.5 साल आप लोगों ने सपना पाला था कि अगली बार कमल खिलाएंगे, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए कमल खिलाएंगे, हाकम को हराएंगे। लेकिन अब कुछ मेरे 2-5-7 हजार साथी ऐसे हैं जो पूरी विधानसभा में जो किसी कारणवश भावनात्मक रूप से जुड़ा हो सकता, होना भी चाहिए, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा वो कहते हैं कि राष्ट्र सब जरूरी है, देश से बड़ा कोई नहीं है, पार्टी से बड़ा कोई नहीं है, पार्टी से बड़ा कोई नहीं साहब, किसी को भ्रम है तो मिटाए, पार्टी सर्वोपरि होती है। और सारे कार्यकर्ताओं को मैं अपील करना चाहूंगा कि आप अपने परिवार के साथ रहें, भाजपा के साथ रहें, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे आपसे करनी थी, और मेरे अपने भी लोग इस वीडियो को जहां भी देख रहे हैं जिनका फतेहपुर के अंदर वोट नहीं है, क्योंकि ऐसे भी मेरे लाखों लाखों मेरे अपने मिलने वाले, उन सब से अपील करना चाहूंगा कि आप कम से कम एक दिन फतेहपुर आगे जाएं। मैं मेरे सारे अपनों से अपील करना चाहूंगा जो फतेहपुर के बाहर के मेरे दोस्त हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, रिश्तेदार हैं, मेरे फ्रेंड हैं, उन सब से अपील है कि प्लीज आप फतेहपुर आएं एक दिन, और किसी एक गांव में आप घूम के जाएं, किसी फतेहपुर आएं एक वार्ड में घूम के जाएं। फतेहपुर में बता दूं 127 गांव है, ढाड़ी मिला के लगभग 130 के आसपास यहां गांव है, दो हमारे शहर है फतेहपुर शेखावटी और हमारा सेठों का रामगढ़ सेठा। आप भोले वाइज हो जाए, गांव गांव वाइज हो जाए, आप श्रवण, मैं इतना कह सकता हूँ कि अगले 15 दिन आप अपने श्रवण को देते हो तो श्रवण का पूरा जीवन उन सब के लिए है, उन सब का। जैसे मैंने 25 साल पूरा जीवन मेरा शिक्षा के नाम दिया, अगले मेरा जो भी जीवन है वो सारा समाज सेवा के लिए है। राजनीति का एक माध्यम ऐसा है जिससे आप समाज की बेटर बात सुन सकते हो, कि मैं राजनीति में आया हूँ, फील्ड में आया हूँ, तो मुझे लगा कि हाँ वहां भी सेवा हो रही थी, उस सेवा की सीमा थी, और वो मेरे बच्चों ने संभाल लिया, मेरे साहिल और समरो, मेरी पूरी सीएलसी टीम ने शानदार वाइक अपनी व्यवस्था वो लोग देख रहे हैं। वो मुझसे ज्यादा स्मार्ट है, मेरे बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट है, यूथ है, यंग है, उनके पास ज्यादा एनर्जी है। रोज साहब 30 साल से बड़ा बेटा, 26 साल छोटा बेटा मेरे, वो बचपन से देख रहे हैं संस्था चलती कैसे, संस्था वो लोग आराम से, इसका एग्जाम्पल है। 5 नवंबर को देश के 7 स्टेट में 1 लाख बच्चों का एग्जाम दिया टेक्नो का, जबकि मुझे तो वहां से 1.5 महीना हो गया। वो सब हमारे समर और साहिल पूरी टीम के साथ संभाल चुके हैं। दोस्तों फतेहपुर में कमल खिलाना है, एक ही बात कहना चाहूंगा, फतेहपुर में कमल खिलाना है, इसलिए केवल और केवल कमल के सामने बटन दबाना, बाकी बार बार कह रहा हूँ सारे बटन जो है वो कमल के रास्ते में बाधा है, इसलिए आप इतने भोले नहीं बने। और फिर से कहता हूँ आप केवल अपना सपना पूरा कर रहे हैं जी, आपका सपना था कि फतेहपुर में हाकम जी हारे और बीजेपी का उम्मीदवार जीते, तो बीजेपी का उम्मीदवार कमल है, श्रवण को भूल जाओ, कमल का निशान बीजेपी का उम्मीदवार है। मोदी जी कहते हैं हर गली में हर मोहल्ले में मैं वोट मांगने के लिए आया हूँ, कमल के निशान पे वोट मांगने के लिए आया हूँ। ये कुछ बातें थी, तो श्रीराम जी आप बताओ कोई बात बोल रही हो, क्यों आप पूरे दिन साथ रहते हो मेरे, और कल से हमारे दौरे स्टार्ट हो जाएंगे, और मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ, पूरा प्रयास कर रहा हूँ सबसे मिलने का। हो सकता है किसी साथी के नहीं पहुंचूं, तो भैया आधुनिक जमाने में इस लाइव के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप जुड़े रहें, और जो हमारे अपने साथी हैं, विशेष रूप फतेहपुर लोग साथी हैं, वो अपने सोशल मीडिया पे, अपने जो भी आपका सोशल मीडिया है उस पर आप इंच डालें कि नए फतेहपुर के लिए, एक अच्छे फतेहपुर के लिए, चाहे युवाओं के सपने पूरे करने हैं। मैं तो साहब 1990 में छोड़ के गया था फतेहपुर, उसके बाद वापस आया तो फतेहपुर जहां पहले खड़ा था उसे पीछे हुआ है, शहर आगे बढ़ते हैं, फतेहपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर हो या कुछ भी हो उनसे बैक खड़ा हुआ है, उसे पीछे फतेहपुर गया हमारा। तो आप सब लोगों से निवेदन है
की 25 को वोट करें और प्लीज प्लीज आप अपने समूह सभी से कहेंगे वोट करवाएं। और मेरे अपने जितने लोग देख रहे हैं उनसे अपील करना चाहता हूं, एक दिन मेरे लिए, अपने दोस्त के लिए, अपने सर के लिए, अपने टीचर के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए, एक दिन आप फतेहपुर देखे जाए। और दीपावली छुट्टियां सब जगह हमारी हो रही है, सब लोग अपने छुट्टियों दीपावली में आएंगे, आप सबको शुभकामनाएं दीपावली की। हमारी 12 नवंबर की दीपावली, 25 नवंबर को हमारा वोटिंग और 3 दिसंबर को दोस्तों फिर एक दीपावली सा माहौल, एक जश्न बना सके, इसलिए आप बीजेपी को वोट करें। और मैं सबसे अपील करना मेरे अपनों से, राजस्थान में 200 विधानसभा सीट पे आप सब जगह कमल को वोट करें, भाजपा को मजबूत करें, ताकि हम देश दुनिया के सबसे मजबूत नेता को और मजबूत कर सके। ये हमारा सौभाग्य है, एक ऐसा नेता मिला है हमें जिसकी खतरी करने में अंतर नहीं है, मोदी है मुमकिन है। और व्यक्तिगत को स्वार्थों से कुछ लोग अभी परेशान है फतेहपुर में, प्लीज व्यक्तिगत स्वार्थों को, व्यक्तिगत चीजों को छोड़ के पार्टी को बड़ा सोचे, जितना बड़ा आप सोचोगे। और मैं तो कहता हूँ कि इस धर्म युद्ध में आप ही अपने कृष्ण हैं, आप ही अपने अर्जुन हैं। कृष्ण अर्जुन का अर्थ सीधा से आप जानते हैं कि महाभारत में जब अर्जुन के सामने भीष्म पितामह खड़े थे, गुरु खड़े थे, उन्होंने अपने हथियार रख दिए, कृष्ण से कहा कि मैं किसके सामने चलाऊं तीर, भाई मेरे सामने मेरे अपने खड़े। कृष्ण ने उनको गीता का ज्ञान दिया, वो ये तो था ना कि भाई युद्ध में आपको अपना धर्म निभाना है। तो भाई फतेहपुर के सभी अपनों से कहना चाहूंगा, हो सकता है किसी व्यक्ति से आपकी व्यक्तिगत लाइजनिंग हो, पर आप ये भी क्यों भूलते हैं कि वो लाइजनिंग आपकी बीजेपी कारण थी। किसी व्यक्ति से आप जुड़े हुए हैं तो उसका आधार था कि बीजेपी परिवार के मेंबर थे, इसलिए आप जुड़े हुए थे, तो बीजेपी परिवार के साथ रहे, पहली प्रायोरिटी आपकी बीजेपी होनी चाहिए। वैसे ही जैसा भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि आपका पहला धर्म है अपना धर्म निभाए, इसलिए सबका निवेदन है कि पहले वो भाजपा होने का धर्म निभाए, बाकी रिश्ते नाते अपने 25 तारीख बाद निभाते रहेंगे। 25 के बाद रिश्ते हमारे वही रह रहे हैं, हमारी व्यक्तिगत राजनीति वही रहने, अभी हमारी जो राजनीति है, हमारा धर्म है, वो है भाजपा को वोट देना, भाजपा को जिताना। और मुझे काफी साथी कह रहे हैं साहब आपको श्रवण जी यहाँ जोर बहुत आएगा, बिल्कुल आएगा साहब, मैं कब कह रहा हूँ, 30 साल से जब कमल नहीं खिला है, पिछले 5-6 चुनाव में लगातार कमल हार रहा है, तो साहब ये तो कहने की बात ही क्या है, जोर तो आएगा आएगा। और बाकी आप सब जानते हैं कि फतेहपुर में बीजेपी का मूल वोट 50,000, मैं बहुत हौस में लाऊंगा, 50,000 वोटों से बीजेपी की काउंटिंग स्टार्ट है, 50,000 वोटों से। राष्ट्रीय पार्टी साहब बच्चों का खेल नहीं है, राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी, कुछ लोग कहते हैं कि पार्टी क्या है, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि पार्टी क्या है भाई, जो देश में राज कर रही है, दुनिया में डंका बज रहा है, 50,000 वोटों से फतेहपुर की बीजेपी की काउंटिंग स्टार्ट होती है साहब। ये 2023 की बीजेपी है, ये माननीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की बीजेपी है, 50,000 से वोट शुरू हो रहा है, आप कहीं भ्रम में नहीं जाए। हाँ, मुझे अफवाह नहीं फैलाना साहब, मुझे अफवाह फैलाना नहीं आता, मुझे दिख भ्रमित करना नहीं आता, मुझे काम करना आता है, मैं काम करूंगा, मुझे गोल गोल बातें नहीं करनी आती, मैं बिल्कुल मेरे को नहीं करना था साहब, मुझे करना भी नहीं साहब, मैं तो अध्यापक हूँ, मेरा काम समाज को जोड़ना है, समाज को तोड़ना नहीं है, लोगों को शिक्षित रखना है, लोगों को पॉजिटिव रखना है, मेरा काम समाज में पॉजिटिव वाइब देना, उसी काम को लेकर मैं राजनीति में आया हूँ। इसलिए आप मेरा साथ दें, मुझे मजबूत बनाएं, ताकि मैं आपके सपने फतेहपुर वासियों से, मेरे परिवार जनों से कह रहा हूँ कि आप ही का सपना था, भूल कैसे गए कि हमें कांग्रेस के विधायक को हरा के भाजपा का कमल खिलाना है। भूलो मत भाई, हनुमान जी की तरह जागो और समुद्र लांग के और लंका जला के आओ, इतनी बात करेंगे दोस्तों। बाकी कल से गाँव के दौरे स्टार्ट हो रहे हैं, अब सब लोग इसी पेज पे, श्रवण चौधरी रोसाओं मेरे फेसबुक पेज है, इसको आप लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके पास सूचना आती रहे। बाकी आप सब जानते हैं फतेहपुर हमारे दोनों कार्यालय चल रहे हैं, ओटला आशीर्वाद और जैन भवन रामगढ़ में दीपावली के बाद हम हमारा कार्य स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी जुड़े रहें। हमारे पार्टी के सभी लोग करीब करीब 98% कार्यकर्ता एक्टिव हो गए, कुछ साथी हैं बिजनेस मैन है, दीपावली का त्यौहार सामने है, वो सभी कह रहे तो धंधा का टाइम होता है त्यौहार पे, तो दिवाली के बाद सब लोग बहुत खुल के आ जाएंगे। और आखिरी अपील मेरे सारे जो श्रवण को अपना मानता है, और साफ कहता हूँ साहब, किसी व्यक्ति को मेरे अब तक 52 साल के जीवन में लगा हो कि श्रवण कभी किसी के थोड़ा सा भी काम आया है, कभी लगता है कि श्रवण के पास गए और श्रवण ने कहीं ना कहीं और कुछ नहीं तो शब्दों की भावनात्मक हेल्प भी की है, तो साहब एक अपील करना चाहता हूँ कि मौका है, आप मेरा साथ दें। निश्चित रूप से इस चुनाव में थोड़ा दर्द शेयर करना चाहूंगा, चुनाव में लोगों ने मुझे घेरने की कोशिश की है, लोग नहीं चाहते कि कोई एक ढंग का व्यक्ति चुनाव जीत के आगे जाए, पता नहीं किस तरह की नेगेटिव मानसिकता लोग रहते हैं कुछ लोग, मैं उनसे अपील करना चाहूंगा, तो मेरे अपनों से अपील करता हूं साहब, ना तो मेरे साथ कोई बहुत बड़ा राजघराना मेरे साथ है, ना साहब मेरा कोई आका, मेरा आका तो केवल और केवल बीजेपी है, कमल का फूल है, हमारे तो गार्जियन, हमारे तो राजघराना, हमारा तो घराना जो भी, हमारा तो पुजो साहब है, वो हम तो मोदी परिवार के व्यक्ति है, कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे अपनों से अपील करना चाहता हूं कि आप सब लोग मेरा साथ दें और मुझे लड़ने की ताकत दें और इस लड़ाई मेरा साथ दें, ताकि इस लड़ाई को जीत सकें।
ताकि अधर्म पे धर्म की जीत हो और नकारात्मक सोच के लोग जवाब दे सके हम लोग, कि सत्य सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। मैं बहुत गहरी बात कर रहा हूँ, सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं, कि सत्य पराजित नहीं होगा, सत्य जीतेगा दोस्तों। क्योंकि ईश्वर ने, भगवान ने इस काम का जिम्मा दे के मुझे भेजा है फतेहपुर। मैं निश्चित विश्वास है मेरे को, 3 तारीख को मेरी पार्टी को, जिन्हों मेरे पार्टी नेताओं ने विश्वास मुझ पे किया, मैं मेरे कार्यकर्ताओं के आधार पे, कार्यकर्ताओं की मेहनत पे 3 तारीख को एक कबल उनको भेंट करके आऊंगा। लो साहब, आपने मुझे जिम्मा दिया और एक कमल फतेहपुर में 30 साल के बाद एक खिला कमल आपको कर रहा हूँ समय पर। इसी के साथ मैं इस लाइव को पूरा करता हूँ। आप जुड़े रहें, आप फतेहपुर पधारे, कार्यालय पधारे और कार्यरत के साथ फील्ड में आप रहें। मेरे सारे अपने लोग फील्ड में जाए, गांव ढाणी घर घर चप्पा चप्पा हो जाए, घर घर भाजपा, चप्पा चप्पा भाजपा, ढाणी ढाणी भाज, जय भाजपा, तय भाजपा, विजय भाजपा। ओके दोस्तों, नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नमस्कार, जय हिंद।